इधर ईडी रिमांड पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कल उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 दिनों की कस्टडी के लिए ईडी के पास भेज दिया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बताया। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए दावा किया कि उन्होंने सत्येंद्र के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल सही पाए गए हैं। सीएम केजरीवाल का आरोप है कि उनके मंत्री को फंसाया गया है, उन्हें फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हो गई है और पूछ रही है कि ईमानदारी का राग अलापने वाले केजरीवाल अपने मंत्री को कब बर्खास्त करेंगे। दिल्ली की जनता इसका जवाब चाहती है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।